इस प्यार के सदके। ईशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाने की? आपकी बेटी डिवोर्स की बात कर रही है, इसे मुझे नोटिस भेजा है। बहुत अच्छा किया उसने, नोटिस उसको पहले भेज देना चाहिए था। ओ, तो आप हैं इसकी बैक पर, आपकी सपोर्ट की वजह से स्टेप उठा रही है। हाँ हूँ, मैं हूँ इसकी बैक पे, बिकॉज तुम्हारे जैसे इंसान के साथ एक लम्हा गुजारना मुश्किल है। निकल जाओ मेरे घर से, भाग जाओ। I say get out of my house, get out, निकल जाओ मेरे घर से, भाग जाओ। बेटा, मॉम, आई एम हियर, कंट्रोल। मैंने आपसे कहा था कि जिस भी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजर सकती। नहीं गुजरेगी बेटा, बट डैड इज विद यू, ओके? उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। नो नीड, प्रॉमिस मी, प्रॉमिस, प्रॉमिस मी बेटा, प्रॉमिस, डैड इज विद यू। आप मुझे नहीं भेजेंगे ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो। क्यों बड़े साहब एक या आपसे उम्र में छोटे हैं? हाँ कुछ साल। क्यों? नहीं वैसे पता, कोई भी देखे ना तो यही समझे कि छोटे भाई हैं। एक्सक्यूज मी, वैसे ना मॉम, मैं सोच रही थी कि शुक्र है आप हमारे मोहल्ले में नहीं रहती। पता, अगर आप हमारे मोहल्ले में रहती होती ना तो औरतें इतनी बातें बनाती, पता बड़ा बुरा समझा जाता है अपनी उम्र से छोटे लड़के से शादी कर लो तो। पागल है ना? बेवकूफ औरतें हैं, इस्लामिक हिस्ट्री पढ़नी चाहिए उन्हें, सब समझ में आ जाएगा। क्या हुआ मिजाज यार, कुछ बरहम से लग रहे। क्या है बताओ, कौन से बता रहे इसका? सब कुछ भुला के मैंने आपको अपनी जिंदगी बनाया है ना। हाँ, ये नहीं भूली कि आपकी और मेरी उम्र में फर्क है, लेकिन फिर लोग भी कितने जालिम होते हैं, बुलाने भी नहीं देते। मुझे इस जालिम इंसान का नाम बताओ जिसने तुम्हें याद दिलाया। कम ऑन, नाम बताए। माजबीन। मैं कहता था उसकी और हमारी क्लास में बहुत फर्क है। सही कह रहे थे, गलती मेरी है, मुझे इस घर में उसे नहीं लाना चाहिए था। ये दिल की बड़ी फाइल। अब्दुल्ला, थप्पड़ मारा मुझे उसने इतनी जोर से, वो भी मेरे डैड के सामने। कोई कोई जरूरत नहीं उसके साथ रहने की, छोड़ दो। हाथ क्यों उठाया उसने तुम पे?
डोंट नो, मैंने डिवोर्स का बोला हुआ लॉयर से, बट अब्दुल मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, मैं अकेले रह लूंगी, मैं अकेली सारी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रह सकती। तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, तुम परेशान नहीं हो, ठीक है? जैसे कि कौन मिल सकता है मुझे? कोई भी लड़का मिल जाएगा। अब्दुल्ला, मैं जानना चाहती हूँ कि कौन करेगा मुझसे शादी? तुमसे कोई लड़का मना नहीं करेगा शादी करने के लिए। या तुम करोगे मुझसे शादी? शांसिर को ख्वाब में देख रहे थे तो इसलिए नहीं मैंने उठाया, ख्वाब टूट जाता, लेकिन मैं बुरा नहीं मनाती। मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता था, अगर तुम मेरी बात मान लेते ना तो इस वक्त उस पागल लड़की को जाए शांसिर हमारे घर की बहू है। बोलो अब्दुल्ला, क्या तुम करोगे मुझसे शादी? नहीं आए घर में अकेली हूं इसलिए डर लग रहा है ना। मॉम कहीं बाहर गई है? वो इस वक्त वहां है जहां आपके वो हैं। आपको कैसे पता? अब्दुल्ला मुझसे सब कुछ पूछ के करता है, सब बता के करता है। और इस वक्त तुम्हारा अब्दुल्ला अपनी शांजे के पास है। किसी से मोहब्बत हो जाए ना फिर कुछ नहीं नजर आता, ना घर ना रिश्ता ना ही अपनी बीवी। एक कॉल आई थी, बस एक कॉल, दौड़ता हो गया अपने शांति के पास। उसकी तो शादी हो गई है ना? उसकी तो शादी हुई हुई है। राजबीन, ये जो दुनिया है ना, इसमें जो दिखता है वो असल में होता नहीं है। हाँ, लेकिन वो तो बहुत अच्छी लड़की है। ओ, अच्छी लड़की अपने शौहर को छोड़ आई है, बहुत जल्द उसकी तलाक हो जाएगी और फिर तुम्हारा अब्दुल्ला तुम्हारा नहीं रहेगा, तुम्हें छोड़ के अपनी शांति के पास चला जाएगा। I'm sorry. मुझे मत छुआ कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा हाथ छोड़ें, मेरा हाथ छोड़ें, मेरा हाथ छोड़ें। कितनी बेवकूफ हो तुम, अपने असल कदरदान को पहचानती भी नहीं। छोड़ देगा वो तुम्हें, चला जाएगा उसके पास। कितना भी अच्छा हो ना तुम्हारा अब्दुल्ला,
अपनी शांजे के सामने तुम्हें कभी नहीं रखेगा, छोड़ देगा। वो ऐसा नहीं करेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे। और वो मुझे क्यों छोड़ेगा? मेरा क्या कसूर है? मेरा निकाह हुआ है उसके साथ, और मैं अल्लाह मियां से दुआ करूंगी कि शांजे की अपने शौहर के साथ दोस्ती हो जाए। ऐसे थोड़ी होता है मजाक है कोई कि वो अपने शौहर को छोड़ के मेरे शौहर से शादी करे। ऐसा नहीं होगा। अरे बेटा कैसी बातें कर रही है मुंशी जी? वो कह रही है कि अब्दुल्ला उसको घर से निकाल देगा। घर से निकाल देगा? क्या हो गया इसे? पूछो इसे, किसने कहा है ये? माजबीन, ये तुझसे किसने कहा? बड़े साहब कह रहे थे। एक सेकंड, एक सेकंड। अब क्या होगा? वो जो मोहल्ले की खाला हुमैरा और नुक्कड़ की वो चाची हमीदा, वो कितनी बातें बनाएंगी कि ना पढ़ाई करके दी और ना ही शादी चलाई। हालांकि अल्लाह गवाह है कि मैंने क्या कुछ नहीं किया शादी को चलाने के लिए। नहीं बेटे, तू परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा। वो ना तुझे डराने के लिए कह रहे होंगे। लो भला, ऐसे नहीं डरा रहे, सारी बात बताई है उन्होंने। वो शांजे है ना लड़की, वो अपने शौहर से लड़के आ गई मेके। देखिए ना, मैं तो कभी लड़के मेके भी नहीं आई, हर हाल में गुजारा किया मैंने। कैसे हाल में? जो लड़की मेके लड़कर नहीं आती उनकी ऐसी तारीफ होती है, मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ। तुमने तो कहा था कि शादी के बाद कोई दूसरी औरत के पास नहीं जाएगा वो, और दोस्ती भी नहीं करेगा। उसकी तो अभी तक वो दोस्त भी है ना। आपको पता है मैंने उसे मॉल में भी देखा था। माजबीन बेटा, तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ सरवर साहब को बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं वो। हैं? क्या मेरी वाली आदत है? बुरी बात। और सुनो, अब्दुल्ला साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और शौहर हैं तुम्हारे। बेटा तुम्हारा फर्ज है उनका ख्याल रखो, खिदमत करो उनकी। मेरी बात समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी अब्बा जी, समझ गए। चलो ठीक है बेटा। ओके। मुंशी जी, अगर ये सब सच हुआ तो हमारी बेटी का क्या होगा? क्या हो गया ऐसे? उसने फोन किया और तुम किन बातों पे परेशान हो? और सरवर साहब तो चाहते यही हैं हमारी बेटी का घर खराब। जहां तक बात रही उस लड़की की, उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं अब्दुल्ला साहब के लिए। ठीक है, बड़े लोगों में दोस्तियां होती हैं, लेकिन शादी कोई मजाक थोड़ी है। कुछ नहीं होता ऐसा, परेशान मत हो। अल्लाह करे ऐसा ही। अल्लाह करेगा सब अच्छा होगा। अब हमारी क्लास में मूव करने के लिए सब कुछ सीखना पड़ेगा ना? एक बात पूछूं तुला? पूछो। कितना प्यार करते हो मुझसे? कितना
कितना करता हूँ ये नहीं पता मुझे, मगर प्यार करता हूँ तुमसे बहुत। क्या हुआ? तो ठीक है तुम प्यार करते हो, लेकिन क्या अपने घर वालों को मना पाओगे? हाँ फैमिली को मना लूंगा। मुश्किल क्या है मना लूंगा, लेकिन फिर भी सोच में जरूर जाऊंगा। तू जीना सकेंगे सनम, कर ले जो दुनिया सितम। तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू जीना सकेंगे। इतनी प्यारी सी तो हूँ मैं, किसी को भी मुझे देखकर प्यार आ जाए। जैसे लिपस्टिक धनक के वो साथ रंग, जैसे है साथ हम धनक के वो साथ रंग। चलो ये बताओ, अगर ना मना पाए तो क्या करोगे? मैं मना लूंगा। आई रिग्रेट माई डिसीजन सो बैड। मुझे कभी उस ईसा से शादी करनी नहीं चाहिए थी। और कभी तुम्हें मना नहीं करना चाहिए था। अब्दुल, आई एम रियली सॉरी। आई नो मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है ना। आई एम रियली सॉरी। It's okay. It's क्या हुआ? वो अभी तक आया नहीं? शौहर के अलावा हर मर्द गैर होता है, और मैं किसी गैर मर्द की बातों में आके अपना घर नहीं खराब करने वाली, समझा? क्या ख्याल है तुम्हारा, अब्दुल्ला दूसरी शादी कर लेगा? जय अब्बू ने ना सब बता दिया, एक नंबर के झूठे आप। और मुझे आपकी बातों पे यकीन करने की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं यकीन करूंगी। मैं सिर्फ अपने शौहर को मोहब्बत और खिदमत से रखूंगी। और एक और बात अब्बू ने बताई थी कि
मैं याद ही नहीं आ रही। वो मैं अब्बू से पूछ के उस पर अमल करूंगी, फिर देखना सब कैसे सीधे होते समेत आपके। जब याद आ जाएगी ना बात बता देना। पढ़े आए मजाक उड़ाने वाले। स्कूल में सारी होशियार लड़कियां ऐसी करती थी। मैं भी किसी से घबराने वाली नहीं हुआ। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बेटा आ गए हो? सो गया होगा बहुत देर। आई जस्ट वांटेड टू चेक ऑन हिम। देख रही तुम क्या ये है इस घर के तौर तरीके? क्या करूं, बहुत समझाने की कोशिश की है, नहीं समझती है। पहले कहता था ये वो हड्डी है जो गले में फंसेगी। माजबीन। हाँ? क्या हुआ? यहां क्यों लेटी हुई सो रही हो तुम? कमरे में क्यों नहीं हो? अब्दुल्ला आ गए? पता नहीं, गाड़ी देख के मैं आई थी उसको ढूंढने, शायद अंदर ही है। अल्लाह, अगर वो आ गए तो आप मुझे पहले उठा देती, मैं कुछ चाय शाय बना देती हूँ उनके लिए। माजबीन, ये मुंशी साहब का घर नहीं है कि कहीं भी जाके लेट जाओ तुम ऐसे ना। अब तुम इस घर में हो ना माजबीन। हाथ सामने रखते हैं जब यौन करते हैं बेटा। मैं कह रही थी कि अब तू हमारे घर आ गई हो, नींद आए ना अपने कमरे में जाके सोया करो। दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, समझी मेरी बात? अब जाओ अपने कमरे में जाओ, चलो अपने शोहर के पास जाओ, उठो। हाँ सॉरी। बातें चुराती हुई शाम से क्या कहे, ओ सब
आप आ गए? जाहिर सी बात है, बैठा हूँ यहाँ पे तो। अरे वाह, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए आपने तो। थैंक्स। मैं रोज ही तकरीबन पहन रहा होता हूँ। वो असल में बात शुरू करने के लिए कोई बहाना तो चाहिए होता है। क्या बात करनी थी? मैं कैसी लग रही हूँ? क्या मतलब कैसी लग रही हूँ कि कैसा सवाल है? ठीक लग रही हूँ। सवाल जैसा भी है जवाब तो आई लव यू होना चाहिए। What are you? Are you mad or what? What? Huh? मतलब? Idiot. मतलब? Duffer. मुझे पता था कि एक दिन मुझे आपसे अल्फाज सुनने को मिल जाएंगे। और भाई मैं डफर हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? वैसे भी ना मुझे ना आपसे शादी करनी नहीं चाहिए थी। सीधा सीधा मैट्रिक करके ना मैं डॉक्टर लगती। MBBS करना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए, मैट्रिक से नहीं बनता कोई। हाँ तो मैट्रिक के बाद ही होता है ना जो भी आप कुछ कह रहे हैं। क्या 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 कर रही हो ये? टांगे दबा रही हूँ, खिदमत कर रही हूँ, तवज्जो दे रही हूँ, मोहब्बत तो करती हूँ मैं आपसे। नो 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 थैंक्स, नो जरूरत नहीं है इसकी। तुम जाके सो जाओ। भाई जरूरत तो पैदा करनी पड़ेगी, पर ना काम कैसे चलेगा? सब लोग कहेंगे माजबी ने घर नहीं बसाया। माजबी देखो प्लीज, मैं बहुत बहुत मजीद और कंफ्यूज नहीं हो सकता, बस जाओ। आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं? ओके ओके। हाँ कह देना। हाँ हाँ नहीं छोड़ूंगा, तुम जाओ ना यार प्लीज। पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं? को तुम जा रही हो या मैं जाऊं? जाऊं? नहीं 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 आप बैठे। वैसे पता आप एक दफा दिल से कह देते ना कि नहीं छोड़ूंगा तो मेरी भी दिल की तसल्ली हो जाती। प्लीज
कैसे बचाओगे अपनी बेटी को? मेरी हवस से? शाम तक ही गारंटी है, तब तक महफूज है। उसके बाद उसने आना तो मेरे पास ही है। यार सोने दो यार, मैं आपको कुछ हो गया था, बल्कि आप उसमें मर गए थे। अल्लाह मैं बड़ा डर गई। I'm fine. हाँ वो तो मुझे भी पता है, लेकिन ख्वाब में तो नहीं पता था ना, मैं डर गई थी, आखिरकार बीवी हूँ। जा रहे हो अब्दुल्ला? तुम प्लीज चले जाओ, मैं लाइट बंद करो, मैं यहीं पे बैठा। नहीं नहीं नहीं, अब मैं नहीं उठाऊंगी, आप वापस अपनी जगह पे जाके सो जाओ। जाओ जाओ जाके सो जाके। बहुत ज्यादा डांटने लग गए हैं मुझे, इतनी भी बुरी नहीं हूं अब मैं, प्यार करती हूं भी सच्चा वाला। चाहत में भी दर्द में हो, चाहत में भी दर्द में, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। Okay.